हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। केंद्रीय बजट 2024-25 के संदर्भ में ये सीरीज चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत आपको शॉर्ट हैंड राइटिंग नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। शॉर्ट्स में मतलब कि आपका हैंड राइटिंग नोट्स होगा, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि बजट से रिलेटेड किस कौन कौन से सेक्टर में क्या उतार चढ़ाव हुए, क्या परिवर्तन हुआ, इनके संदर्भ में आता है। बिहार और आंध्र प्रदेश के राज्य के बारे में कुछ ज़्यादा ही चर्चा में बना रहा है, जब से जो नई सरकार बनी हुई है, तो उसके कारण आपको ये बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए क्या सौगात दी गई है बजट में, तो इसके संदर्भ में जानना आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसके संदर्भ में बिहार और आंध्र प्रदेश को क्या अतिरिक्त मतलब की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, कौन कौन सी घोषणा की गई है। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसके भी PDF मिलेगी। साथ ही साथ हमारे द्वारा जो भी कोर्स कराए जाते हैं, उन सभी की PDF अवेलेबल हो गई। बजट की सीरीज है, बजट की सीरीज के अंतर्गत ये आपका वीडियो है, तो इसके अंतर्गत आपको प्रत्येक बजट के जो जो मुद्दे ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो उन सभी को एक एक करके कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें बिहार और आंध्र प्रदेश की एक बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, क्योंकि बिहार और आंध्र प्रदेश का नई गठबंधन की जो सरकार बनी है उसमें मेजर रोल रहा है, तो उसके कारण इन दो राज्यों के बारे में भी जानना अति आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं, तो देखते हैं कि मोदी 3.0 में पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024 के लिए बिहार के लिए बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है, क्योंकि अभी देखा जाए तो ये गवर्नमेंट जो मोदी सरकार की बनी हुई है वह तीसरी बार बनी हुई है, तो इसे मोदी 3.0 कहा जाता है। 3.0 कहा जाता है, उसी के संदर्भ में देखा जाए तो ये पहला इनका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का ये आपका पहला बजट है, तो इसे मोदी 3.0 का पहला बजट ये पेश किया गया। बजट 2024 में बिहार के लिए जो घोषणाएं की हैं उनके बारे में बात की जाए, तो बिहार के लिए बजट 2024 में बिहार के गया में औद्योगिक परियोजनाओं के विकास को मंजूरी दी गई है, जिसमें विष्णुपद मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विश्व धरोहर स्थलीय धरोहर में बदला जाएगा। मतलब कि जो आपका काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है, इसी की तर्ज पर आपके जो बिहार में दो मंदिर हैं, कौन कौन सा, विष्णुपद मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर को इसकी तर्ज पर विश्व स्तरीय धरोहर के रूप में बदला जाएगा। तो सबसे पहला मेजर पॉइंट तो इसी में उभर कर आता है कि इस चीज को मंजूरी दी गई है औद्योगिक परियोजना के विकास के संदर्भ में। फिर आता है कि बिहार के संदर्भ में बात की जाए तो बिहार में बाढ़ बहुत आती है, जो कोसी नदी है बिहार की, वहाँ पर बाढ़ अत्यधिक आती है, तो इसके संदर्भ में बात की जाए तो बिहार में बाढ़ को कम करने के लिए बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए 11,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो जो भी जिस तरीके से बाढ़ को नियंत्रित किया जा सके, बाढ़ की जो मतलब कि अभी बाढ़ आएगी, क्योंकि अभी ये मौसम मानसून वाला मौसम चल रहा है, तो अभी इस तरीके की सिचुएशन होगी, तो इसके उपायों को मतलब कि वहाँ इस तरीके से मतलब कि एक डेवलपमेंट के बेसिस पे वहाँ पर 11,500 करोड़ खर्च किए जाएंगे, तो इसके लिए अलग से बाढ़ को कम करने के लिए दिया जाया गया है। फिर आता है कि बिहार में जो आपका 26,000 करोड़ की सड़क संपर्क परियोजनाओं की घोषणा की गई है, तो कितनी, 26,000 करोड़ की सड़क संपर्क परियोजनाओं की घोषणा की गई है, जिसमें पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे होगा, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे, बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेस वे तथा बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन पुल का निर्माण किया जाएगा। तो ये आपकी इस तरीके से इस क्षेत्र के लिए कौन कौन से एक्सप्रेस वे हैं, पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे, बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेस वे और बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का पुल का शामिल है, जिसके लिए 26,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं के लिए घोषणा की गई है। अब आता है कि बिहार के भागलपुर जिले में पीरपैंती में कुल 21,400 करोड़ की लागत से 2,400 मेगावाट का बिजली संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो ये आपका बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, भागलपुर जिले के पीरपैंती में। ये आपके बिहार का जो BPSC का एग्ज़ाम होता है या बिहार के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं किस स्टेट के लिए, तो स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको बिहार के आप जो भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही आपका केंद्रीय स्तर पर भी
इम्पोर्टेंट है। तो बिहार के भागलपुर जिले के जो पीरपैती जगह है, वहाँ 21,400 करोड़ रुपए की लागत से 2400 मेगावाट का बिजली संयंत्र स्थापित किया जाएगा और बिहार में नई हवाई अड्डों, मेडिकल कॉलेज, खेल बुनियादी ढांचे के निर्माण की योजना बना रही है और साथ ही अतिरिक्त आवंटन के माध्यम से पूंजी निवेश के समर्थन के लिए राज्य को सहायता प्रदान करेगी। तो ये बिहार में नए हवाई अड्डों के भी निर्मित किए जाएंगे और मेडिकल कॉलेज भी होंगे और खेल के संदर्भ में जो भी उसका एक आधारभूत ढांचा होगा उनके लिए योजना बनाई जा रही है और इसके लिए जो भी अतिरिक्त आवंटन होगा उसके पूंजी निवेश के समर्थन के लिए राज्य सरकार को सहायता प्रदान करेगी। तो इसमें पहले ही इतने जो रुपये दे दिए गए हैं, मतलब कि इतने प्रावधान की घोषणा की गई है और अगर बिहार में इस तरीके के कोई भी मतलब कि फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी जाती है या फिर योजना बनाई जाती है तो उसके लिए केंद्र सरकार मदद करेगी, तो इसके संदर्भ में आता है। तो बिहार के लिए प्रावधान किए गए हैं जिसके अंतर्गत ये प्रमुख इम्पोर्टेंट मतलब कि ज़्यादा मेजर रोल रखते हैं। अब आता है हमारा आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए तो वित्त मंत्री जी ने आंध्र प्रदेश के लिए बड़ी परियोजनाओं की घोषणा की है। जैसे कि पहला आता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई राजधानी अमरावती के लिए 15,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो ये जो आपकी नई राजधानी बनाई जाएगी उसके डेवलपमेंट के लिए और उसके जो भी जिस तरीके की आवश्यकता होगी उन सभी के लिए इनके बजट में 15,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए दो औद्योगिक गलियारे, कौन कौन से औद्योगिक गलियारे आते हैं, विशाखापट्टनम चेन्नई और वाकल हैदराबाद औद्योगिक गलियारा तथा दूसरा आता है हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा को स्थापित किया जाएगा जो आंशिक रूप से आंध्र प्रदेश को कवर करेगा। तो ये निवेशकों को आकर्षित करने के लिए दिया गया है और आपका एक पहला तो ये कि अमरावती जो आपकी राजधानी बनाई जा रही है तो उसके लिए 15,000 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है और दो औद्योगिक गलियारे, साथ ही साथ रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तरी आंध्र प्रदेश जिलों के लिए विशेष पिछड़ा क्षेत्र निधि की भी घोषणा की गई है। तो जो वहाँ के विशेष पिछड़ा क्षेत्र हैं रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तरी आंध्र प्रदेश के जिले, वहाँ पर निधि मतलब की जो राशि है उसको देने की घोषणा की गई है। तो ये आंध्र प्रदेश के संदर्भ में इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं क्योंकि आपका आंध्र प्रदेश इन दो राज्यों का सरकार बनने में काफ़ी मेजर बड़ा रोल था, तो इसके संदर्भ में ये दो स्टेट का इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से बिहार और आंध्र प्रदेश के संदर्भ में क्या बजट में घोषणा की गई है इसके संदर्भ में बताया गया है। नेक्स्ट के जो आपकी वीडियो आएगी वो भी बजट से रिलेटेड होगी जिसमें जो भी इससे मतलब कि प्रत्येक सेक्टर में कौन कौन से बदलाव किए गए हैं उसके रिलेटेड आएगी। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी PDF प्राप्त करने के लिए हमारी टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर इसकी आपको शॉर्ट हैंड राइटिंग नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये नोट्स मेरे द्वारा खुद ही बनाए गए हैं तो आपको ये नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आपके एग्जाम के लिए आप अगर नोट्स नहीं भी बनाते हैं तो आपको इस नोट्स से आपका काम हो जाएगा। धन्यवाद।